नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त अपना एमपी का हो गया है, मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश की मिनरल्स माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार और माइनिंग एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के उस आदेश के खिलाफ अंतरिम राहत दी है, जिसमें एनजीटी ने माइनर मिनरल माइनिंग पर रोक लगा दी थी। दरअसल एनजीटी ने डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की अनुमति के बावजूद स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी से अनुमति लेने का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रदेश भर की मिनरल माइनिंग बंद हो गई थी और सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था। एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और माइनिंग एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल्स माइनिंग को राहत दी है। अब स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी प्रदेश की माइनर मिनरल्स माइनिंग को अनुमति देने के लिए स्वतंत्र विचार कर सकती है। तो मिनरल माइनिंग्स को लेकर यह सुप्रीम राहत मिली है। कोर्ट में जब इन सभी बातों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत पारित किया और उसके तहत सभी लोगों को यह लिबर्टी दी कि सिया जो स्टेट लेवल एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, वो एनजीटी के आदेश के प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र होगी कि वो हर केस में अंतरिम राहत जारी की जा सकती है। अंतरिम राहत क्षेत्रीय समस्याओं, माइनिंग की कमी, डिया वैलिड डिया के द्वारा ईसी ग्रांट की गई है, उस चीज उस तथ्य को रेखांकित करते हुए, एवं जो क्षेत्रीय समस्याएं और जो माइनिंग की कमी है या रॉ मटेरियल की कमी है, उसको ध्यान में रखते हुए सिया स्वतंत्र होगी कि वो सभी लोगों को रीअप्रेजल करने तक, रीअप्रेजल की प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है, तो जब तक रीअप्रेजल नहीं। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, ने बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश की सभी मिनरल माइनिंग को ये बड़ी राहत है और इससे सरकार को जो करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा था, वह नुकसान अब नहीं होगा। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों पहले एनजीटी की तरफ से जो रोक लगाई गई थी, उसमें फिर पहले डीआ की तरफ से अनुमति लेने के लिए निर्देश किए गए थे और अब जो है सिया की तरफ से, यानी स्टेट माइनिंग की जो अथॉरिटी है, उससे अनुमति लेने के बाद अगर वो उचित समझती है, तमाम तरह के पैमाने हैं, मापदंड तय किए गए हैं और नई गाइडलाइन बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिसके हिसाब से अब जो है मिनरल्स माइनिंग एजेंसी कंपनीज जो हैं, वो जो है अपना काम आगे कर सकती हैं और सरकार को भी इस होने वाले घाटे से निजात मिलेगी। तो सभी के लिए ये राहत की बात है, लेकिन एनजीटी के निर्देशों का भी इसमें ध्यान रखना होगा। जो प्रदूषण नियंत्रण के तमाम मापदंड है, पैमाने हैं, उनका ख्याल रखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ही ये कंपनी अपना काम कर सकेंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वही मैहर में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। कार चलाते वक्त पिस्टल से फायरिंग हुई है, फायरिंग करते युवक का ये वीडियो वायरल हुआ है। एसबीएस चौक का बताया जा रहा है वीडियो। तो मैहर में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, कार चलाते वक्त युवक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। युवक का ये वीडियो वायरल हो गया है, इसमें युवक को साफ तौर पर फायरिंग करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हो गया है। बकायदा युवक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है, वो बाहर पिस्टल निकालकर फायरिंग करता है और उसके साथ में जो शख्स बैठा हुआ है, वो उस पूरे वीडियो को बना रहा है और उसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो गया है। सड़कों पर ठाएं ठाएं मैहर की सड़कों का ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां युवक इस तरीके से कानून को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहा है। देखिए, यहां पर गनीमत है कि इसकी फायरिंग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सड़क पर जिस तरीके से सड़क खाली दिख रही है, उसे लग रहा है कि ये रात, काफी रात का ये वीडियो है और ये उसके साथ में ही बैठा एक युवक इस पूरे वीडियो को बना रहा है। युवक गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके बाद फायरिंग करता है। कौन है ये लोग, इनकी पहचान की कोशिश की जा रही है और ड्राइविंग करते वक्त किस तरीके से हवा में ठाएं ठाएं कर रहा है, वो यहां पर इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं सतना से ही। शिवेंद्र, कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच, युवक के बारे में कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी युवक के बारे में पता नहीं चल पाया है, पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है
और अब उसको चिन्हित करके पतासाजी की जा रही है कि युवक कौन है। जो जानकारी सामने आ रही है, युवक मैहर का ही निवासी है और किसी सोनी परिवार से संबंधित है ये, और इसकी पुलिस जांच कर रही है। और ये जो वीडियो है, ये बुधवार रात लगभग 12 बजे बनाया गया है और कल शाम को ये वीडियो वायरल है, तो इसमें साफ दिख रहा है कि युवक पिस्टल से फायर कर रहा है। वो स्वयं गाड़ी भी चला रहा है, एक हाथ में स्टीयरिंग थामे हुए है और दूसरे हाथ से वो फायरिंग करता नजर आ रहा है, जबकि साथ में बैठा उसका साथी वीडियो शूट कर रहा है। तो कुल मिला के सड़क पर दहशत फैलाने की कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया है, पुलिस ने मामले में संज्ञान ले लिया है, जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन कैबिनेट से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर, कल हो सकता है मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली में सीनियर लीडर्स से मुलाकात के बाद ये संकेत मिले हैं। राजभवन को सूचना मिलने का इंतजार है। 15 से 18 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। सांसद से विधायक बने दिग्गज बन सकते हैं मंत्री। पहली बार के विधायकों को मौका नहीं दिया जा सकता है, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर, कल डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और उन्होंने मुलाकात करी अमित शाह और जेपी नड्डा से, और अब ये संकेत मिल रहे हैं मुलाकातों के बाद कि कल यानी शनिवार को मोहन मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं। राजभवन को सूचना मिलने का इंतजार है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो पहली बार के विधायक हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा, ये जानकारी सूत्र दे रहे हैं। लेकिन वहीं सांसद से जो विधायक बने हैं दिग्गज, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो 15 से 18 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में मोहन मंत्रिमंडल पर लगातार मंथन। प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है और आज वो नाम फाइनल हो सकते हैं जो कल शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शपथ ग्रहण कल हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और राजभवन को अब सूचना का इंतजार है। 15 से 18 मंत्री शपथ ले सकते हैं, यानी कि पहली विस्तार में 15 से 18 मंत्रियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो सीएम डॉक्टर यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है और इन मुलाकातों के बाद ही ये संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार के विधायकों को मौका नहीं। तो दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और यहां पर सभी से मिले, देखिए उनका स्वागत अभिनंदन भी किया गया। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जब पीएम मोदी से मिले थे यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, तस्वीरें सामने आई है मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद ही अभी संकेत मिल रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की है, उस मुलाकात की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले हैं और यहां ये प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। साथ में दोनों डेप्यूटी सीएम भी आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सीएम मध्य प्रदेश के और डेप्यूटी सीएम भी दोनों दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं मुलाकातों के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, 15 से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम की मुलाकात और ये तस्वीर आपके सामने। और अब देखिए ये अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद की तस्वीर, तो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, अमित शाह से मिले और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी किस तरीके से यहां फूल देकर अभिनंदन किया गया। प्रधानमंत्री से मिले हैं जब डेप्यूटी सीएम और सीएम, और ये अमित शाह से मिले।
जेपी नड्डा से भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। बड़ी खबर तस्वीर, बड़ी खबर यह कि कल हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। वहीं भोपाल के न्यू मार्केट स्थित रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। सदन में सांसदों को निलंबित करने के खिलाफ देशव्यापी धरना प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश में रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहां पर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीसीसी चीफ अरुण यादव यहां मौजूद हैं और खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भी आप यहां पर देख रहे हैं धरना स्थल पर ही तमाम अन्य कांग्रेस के नेताओं के साथ। इंदौर में भी कांग्रेस का धरना देखने को मिला। ये देखिए, ये इंदौर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौन धरना यहां पर कांग्रेसियों की ओर से किया गया है। विपक्ष के 143 सांसदों के निलंबन पर ये कांग्रेस का देशव्यापी धरना। इंदौर के रीगल चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया है। काली पट्टी बांधकर कांग्रेसियों ने यहां पर मौन धरने का आयोजन किया। भोपाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब आपको दिखा रहे हैं इंदौर की तस्वीर जहां पर कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मौन धरना, हाथों पर देखिए काली पट्टी भी बंधी हुई है, सांसदों के निलंबन पर यह कांग्रेस का प्रदर्शन। होर्डिंग्स भी हैं, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंजेगा, इस तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं। तो सियासत जोरों पर है तो अंधविश्वास भी अपने चरम पर मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। एक बार फिर दगना का मामला सामने आया जहां शहडोल में मासूम की मौत हो गई। 3 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची के पेट में दागने के दर्जनों निशान, दागने के बाद भी मासूम को झटके आ रहे थे। अस्पताल प्रबंधन ने मौत का कारण बताया निमोनिया। जिला अस्पताल शहडोल के पीआईसीयू वार्ड की घटना है। पहले परिवार ने बच्चे को दागा, उसके बाद जब भी झटके लगातार आते रहे तो अस्पताल लेकर आए जहां 3 महीने की बच्ची ने दम तोड़ दिया। निमोनिया के चलते अक्सर इस तरह के दगना के मामले सामने आते हैं जहां परिवार के लोग ही किसी के कहने पर बच्चे को गर्म सरिये से दागते हैं, लेकिन यहां बच्चे की जान पर बनाती है। और ये एक और मामला जहां मासूम ने दम तोड़ दिया। और अब बात कर लेते हैं छतरपुर की, जहां सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट और हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में डंडों से नकाबपोश बदमाशों के हमले में सराफा व्यापारी घायल होकर जमीन पर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वारदात 19 दिसंबर की है जब सराफा व्यापारी अपनी दुकान से घर जा रहे थे। बदमाशों ने हमला किया और 15 लाख के सोने चांदी के गहनों की लूट कर ली। ये देखिए डंडा किस तरह से मारते हैं बदमाश, वो आपको दिखाई दे रहा है। ये वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, ये फुटेज सामने आ गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश की बात कह रही है। वहीं रीवा में भाजपा किसान मोर्चे के नेता पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोल दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता अपने घर से क्षेत्र में चल रही संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए निकले, इसी दौरान रास्ते में 12 की संख्या में बदमाश तलवार हॉकी से लैस होकर पहुंचे और हमला बोल दिया। इस हमले में बीजेपी किसान मोर्चे के नेता गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो 12 बदमाश थे ये बताया जा रहा है, जिन्होंने हॉकी से तलवार से जो लैस होकर आए थे और यहां बीजेपी किसान मोर्चे के नेता पर हमला बोल दिया। क्या ये मामला सियासी रंजिश का था या कोई पुराना विवाद था या कोई आपसी झगड़ा, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है।
और अब खबर बुरहानपुर से, जहां चोंडी गांव के सरकारी माध्यमिक स्कूल के टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूल में टीचर्स ने अर्धवार्षिक परीक्षा देने आए छात्रों से भारी भरकम टेबल उठवाए। परीक्षा के पहले जहां छात्र अपनी तैयारी करते हैं, तो वहीं उनसे टेबल्स को उठवाया गया है। ये आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। न्यूज 18 ने जब टीचर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि एक दो ही टेबल थे। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ये काम मजदूरों से करवाना था, फिलहाल जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो परीक्षा से पहले सिर पर ये टेबल उठाते हुए छात्र को आप यहां पर देख रहे होंगे। जब सवाल पूछा गया अध्यापक से तो उसने कहा कि वहां पर एक दो ही टीचर थे और इसीलिए छात्रों से कहा गया थे, इसीलिए वो दूसरी क्लास से हमने वहाँ बुलाया। तो बच्चों से ऐसा काम करना ठीक है सर? नहीं, दो ही बेंचे थे, ज़्यादा थोड़ी मंगाए। तो तीन चार बेंचे लेगा बच्चे? नहीं नहीं, दो ही बेंच हमारे कैमरे में कह दे सर। हाँ, दो एक बेंचे होंगे। बच्चों से कार्य कराना तो वैसे प्रतिबंधित है, जो भी कार्य यदि है तो या तो किसी मजदूर को लगा के उन्होंने कराना था या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करना थी, या बच्चों को कार्य के ऊपर नहीं लगाना जाना चाहिए था, एकदम से सख्तीकरण किया जाए। जिले के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज स्वामी विवेकानंद आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कॉलेजेस शुरू हुए हैं। कॉलेज के विद्यार्थी इंटरैक्टिव बोर्ड के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस के जरिए से विद्यार्थियों को एक ही विषय के कई बिंदुओं पर जानकारी मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं को लेकर काफी समस्याएं हैं। नल हैं पर उनमें पानी नहीं है। हजारों रुपए खर्च कर लगाए गए वाटर फिल्टर और फ्रिज आज तक चालू नहीं हुए हैं। खरगोन जिले के सनावद में निमाड़ के प्रसिद्ध मेले पिरानपीर शीतला माता में डेंग लूटने की अनूठी परंपरा है। सांप्रदायिक सौहार्द के इस मेले में सरकारी डेंग को लूटने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। गर्मा गर्म गुड़ के चावल की डेंग को लूटने का अलग ही नजारा यहां दिखाई देता है। इस दौरान युवा बाल्टी से डेंग लूटते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एक दूसरे के सिर पर बाल्टी भी लगाते हैं। गर्म चावल ऊपर गिरते हैं लेकिन आस्था के आगे शरीर के घाव और पीड़ा दम तोड़ देते हैं। अयोध्या में भगवान श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल हुआ। श्रीराम एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा एयरक्राफ्ट, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। सिविल एविएशन के अधिकारी एयरक्राफ्ट से पहुंचे अयोध्या एयरपोर्ट पर, अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए श्रीराम एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट का ट्रायल जिस समय हुआ है उस वक्त की तस्वीरें। रनवे पर एयरक्राफ्ट उतरा, ये आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। सिविल एविएशन के अधिकारी इस एयरक्राफ्ट से वहां पहुंचे थे, अधिकारियों के साथ, एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे उनके साथ बैठक की है। 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स का विमान यहां पर उतरा है और एविएशन के अधिकारी यहां पहुंचे, एयरपोर्ट के अधिकारियों से बात की और फ्लाइट का यहां पर ये ट्रायल रन हुआ है। 30 तारीख को पहली फ्लाइट यहां पहुंचेगी, उसके बाद 6 तारीख से कमर्शियल फ्लाइट्स यहां पर शुरू कर दी जाएंगी दिल्ली टू अयोध्या। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिस टाइम पर ये ट्रायल हुआ है। तो श्रीराम एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल रन, भव्य तैयारियां। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बीजापुर से आ रही है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने यहां पर 2 से 3 आईडी ब्लास्ट किए हैं। डीआरजी के जवान के घायल होने की खबर है। पोटनेर के जंगलों में मुठभेड़ हुई है, अलर्ट मोड पर एम्बुलेंस रखी गई। बड़ी खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों ने यहां पर 2 से 3 आईडी ब्लास्ट किए। डीआरजी के जवान के घायल होने की खबर है। पोटनेर के जंगल है जहां पर यह मुठभेड़ हुई है। एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बड़ी खबर बीजापुर से, जहां नक्सलियों का एक बार फिर हमला देखने को मिला है। 2 से 3 आईडी ब्लास्ट किए हैं जिसमें एक जवान के जख्मी होने की खबर है।
बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी दो ट्रकों को फूंक दिया था नक्सलियों ने इस इलाके में। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, जानकारी दे, क्या हुआ था यहाँ पर? जी आपको बता दूं कि बीजापुर जिले के बैरमगढ़ एरिया इलाके में जो है लगातार माओवादियों की होने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें डीआरजी और बस्तर फाइटर के जवान जो है ऑपरेशन के लिए गए हुए थे। और बताया जाता है कि वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई, नक्सली वहां पर मौजूद थे और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। दोनों ओर से फायरिंग हुई और मुठभेड़ में 2 से 3 नक्सली घायल होने का दावा पुलिस कर रही है। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक जवान का जो पैर है वो प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया, जिससे डीआरजी का जवान घायल हो गया और घायल जवान को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका जो है इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।